समाजवादी विचारक पत्रकार स्वर्गीय श्याम सुंदर पटेल की 42वीं पुण्यतिथि बैजू धर्मशाला में मनाई गई। कर्मवीर पटेल समाज सेवा परिषद ने प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी समाजवादी विचारक श्याम सुंदर पटेल की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर श्याम सुंदर पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल सुभाष श्रीवास्तव मौजूद रहे। पुण्यतिथि के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्याम सुंदर पटेल के कार्यों उनके निष्पक्ष पत्रकारिता का स्मरण किया गया। वक्ताओं ने समाजवादी विचारक पत्रकार स्वर्गीय श्याम सुंदर पटेल के बताए रास्ते पर चलने की बात कही। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा किया होगा सामान्य से अलग हटके विशेष रूप में, कि संपूर्ण समाज के प्रबुद्ध लोग आज उनको याद कर रहे हैं। वैसे दुनिया में कितने लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं? सैकड़ों हजारों लाखों लोग, कि हम हर किसी को याद नहीं करते, लेकिन स्वर्गीय श्याम सुंदर लाल पटेल जी को इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को मानवता के लिए समर्पित किया, इंसानियत के लिए समर्पित किया। वरना इस दुनिया में कितने राजा नवाब हुए, कितने सदी में कितने नवाब हुए, आज किसको कौन याद करता? लेकिन ऐसे समाज के लिए समर्पित व्यक्ति को आज हम सब याद कर रहे हैं। मैं चार पंक्तियाँ कहना चाहूँगा इस मंच में, इस कार्यक्रम की शुरुआत में, कि सब शहनशाह जब अपनी अपनी कमरों में बैठे होंगे, सब शहनशाह जब अपनी अपनी कमरों में बैठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे। सब शहनशाह जब अपनी अपनी कमरों में बैठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे। सदियां बीते सुल्तानों के जब नामो निशान नहीं होंगे, ये घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे, ये घर घर बंद